तो चलो चलते हैं। ये रेड स्क्वायर के आसपास का एरिया है, अभी हम रेड स्क्वायर नहीं पहुंचे हैं। ये है रेड स्क्वायर। अभी मैं मॉस्को में, मॉस्को के मीरा मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से रेड स्क्वायर जाना है। एक्चुअली मैं कल यहाँ रुका हुआ था जो हॉलीडे इन, और हॉलीडे इन के जो सबसे पास वाला यही मेट्रो स्टेशन था, एक और था लेकिन वो किसी वजह से वो बंद हुआ था, इसलिए अभी मैं मीरा के मेट्रो स्टेशन पे आया हूँ। मीरा के मेट्रो स्टेशन से हम चलते हैं रेड स्क्वायर। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, आप देख लीजिए ये है मेट्रो स्टेशन, इससे कैसे रेड स्क्वायर पहुँचना है। काफ़ी डाउन है, जैसे मैं सेंट पीटर्सबर्ग के तो जो सबवे हैं, मेट्रो स्टेशन है, वो शायद वर्ल्ड में सबसे डाउन है। तो ये भी काफ़ी डाउन है अगर हम अपने दिल्ली के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं, तो दिल्ली के जो मेट्रो स्टेशन हैं वो इतने डाउन नहीं है, कुछ ऊपर भी हैं, लेकिन यहाँ रशिया में जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं इनको जनरली यहाँ के लोकल लोग सबवे बोलते हैं, और मेट्रो की जगह पर अगर आपने किसी से बात करनी हो, पूछना हो, तो मित्रो करते हैं ये, मित्रो स्टेशन, तो फिर ईजिली समझ आ जाती है। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। रशिया के बारे में तो जानकारी मिलेगी आपको ट्रैवल के मामले में, साथ ही साथ कुछ और ट्रैवल व्लॉग भी लेके आने वाला हूँ मैं। मैप देखते हैं, मैप को देखने से पता चलेगा किस साइड को जाना है हमने। कि मैं मीरा के मेट्रो स्टेशन पे नीचे आ गया था, उसके बाद हमने रेड स्क्वायर जाने के लिए, जो हमें नियरेस्ट रेड स्क्वायर के पास जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा इस लाइन पे, ऑरेंज लाइन पे, वो किट्टी गो रोड है, और किट्टी गो रोड जो 7 नंबर पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, अभी मेट्रो आ गई है, अभी इसमें बैठते हैं, फिर चलते हैं और वहाँ आपसे दोबारा से मिलते हैं। तो चलो चलते हैं। चलो रास्ता ढूंढते हैं रेड स्क्वायर का। किटी के स्टेशन से बाहर आ गया हूँ, यहाँ से 500 मीटर दिखा रहा है, 3-4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो नीरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है रेड स्क्वायर के, वो है किट्टी। पूरा नाम क्या है वो देख लेना, बस शॉर्ट फॉर्म इसको आप किट्टी मानिए। कुछ इस प्रकार का नज़ारा है गलियों का। मॉस्को का मज़ा लीजिए, सुंदर शहर है, खूबसूरत, नीट एंड क्लीन, और बहुत कुछ करने का और देखने का। ये स्कूटर हैं, हाँ, लगे हुए हैं, शायद ऐप दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड करके स्कैन करके कार्ड से पेमेंट करके आप चला सकते हैं। और इसकी बात है कि आप इसको कहीं ले जाइए, कहीं छोड़ दीजिए, उसका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद आप इसको दोबारा से छोड़ सकते हैं। ये रेड स्क्वायर के आसपास का एरिया है, अभी हम रेड स्क्वायर नहीं पहुंचे हैं, उसके आसपास का एरिया थोड़ा सा देख लीजिए। चलो
चलते हैं और जल्दी ही पहुंचते हैं रेड स्क्वायर मॉस्को रशिया। दिख रही है सामने बिल्डिंग, शायद यही है रेड स्क्वायर। बहुत खूबसूरत। ये फूल कितने सुंदर, देखो हाँ गुड्डू, और फूल कितने सोने हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स। वॉलेट पार्किंग, ये मॉल, ये कोई मॉल है, कौन सा मॉल है, जिम रिम। काफी बड़ा मॉल दिख रहा है ये। तो ये है, अब हम पहुंच चुके हैं रेड स्क्वायर में। ये है रेड स्क्वायर, काफी बड़ा एरिया है ये, घूमकर देखते हैं इसको चारों तरफ से। और इसके साइड में एक मॉल भी है, काफ़ी हाई क्लास एलीट बहुत बड़ा मॉल है। क्या यहाँ पर प्रोग्राम है, इसलिए एरिया को यहाँ से बैरिकेड करके बंद किए हुए कुछ एरिया। तो अभी रेड स्क्वायर पे ही हूँ मैं, आपको कुछ दिखाता हूँ रेड स्क्वायर के बारे में। और इसके सामने ये खूबसूरत सी बिल्डिंग है, अभी पहले इसके अंदर चलते हैं। देखते हैं क्या है इसकी। क्या लिखा हुआ, करंट सिटीजन 1000, सिटीजन ऑफ रशियन फेडरेशन 500। इसके क्या रेट हैं, जो अडल्ट हैं मतलब फॉरन सिटीजन
के लिए 1000 रुपीज़ है, और जो रशियन हैं लोग उनके लिए 500 रूबल्स। तो मुझे लगता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए। हर मोन्यूमेंट जो है उसकी एंट्री फीस है, लगभग अभी तक मैं यहाँ भी गया हूँ तो काफ़ी कॉस्टली है। और बाकी दूसरा मेरा